हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई आज हम करेंगे अपने बाइक का टेस्ट और मैं इसका रिव्यू दूंगा पूरा कि भाई कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा अभी तक का अपनी बाइक के साथ। और काफ़ी समय हो गया मेरे को बाइक के साथ, लगभग 5 साल हो गए हैं, और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। तो बात करेंगे सबसे पहले इसके माइलेज के बारे में और रीसेल वैल्यू कैसी है इसकी, सर्विस कॉस्ट कितनी आती है, और लॉन्ग राइड पे जाने में जो इसका सीटिंग पोस्चर है वो कैसा लगता है मुझे, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसके वाइब्रेशन के बारे में। तो भाई जब भी मैं इसको चलाता हूँ थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड होती है तो इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील होता है मेरे को, और वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है। जब भी मैं इसको, अभी मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा पुल करके, ये देखो जब मैंने इसकी रेस छोड़ी तो ये जो इसका प्लास्टिक है साइड वाला ये वाइब्रेट करता है, तो ये चीज़ इसमें अच्छी नहीं है। पिकअप की बात करें, पिकअप बहुत अच्छी है, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका, डिज़ाइन के मामले में बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है, देखने में अच्छी लगती है, और जो जब रोड पे चलती है तो भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा फील देती है। बाकी गियर की बात करें तो यार इसके अंदर जो गियर है टोटल 5 है, आपको पता ही होगा, 6वां गियर भी इसके अंदर होना चाहिए था मेरे हिसाब से, पर अभी भी लोग जो हैं इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसके मिरर की बात करूं तो मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार खोल के भी, कुछ ज़्यादा काम के है नहीं है ये, ताकि मेरा इतना जो शोल्डर का पोस्चर है वो इसके अंदर आता है और हाफ पोस्चर है वो दिखता है। तो मिरर के मैं साथ में ना, मैं इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूं, इसके जो मिरर हैं मुझे बिल्कुल भी काम के नहीं लगते हैं। बाकी इसके सीटिंग पोस्चर के बारे में बात करूं तो कईयों को पसंद आता है, कईयों को नहीं आता। मुझे जो है बैक में पेन होता है, जब भी मैं इसको यूज़ करता हूं, ज़्यादा चलाता हूं ना, क्रूजिंग करता हूं तो बहुत ज़्यादा बैक में ना पेन होती है। और सीटिंग की बात करें जो इसकी जो सीट है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, आप ज़्यादा लॉन्ग राइड इसे कर नहीं पाओगे मेरे हिसाब से। बाकी सीट के लिए तो ऑप्शन भी है, अगर आपको आफ्टर मार्केट सीट लगवाना हो वो इसके अंदर आ जाती है। और इसके एवरेज की बात करूं तो एवरेज इसके अंदर लगभग मेरे को 35 का दे देती है बाइक, तो डिसेंट एवरेज है, अच्छी एवरेज। कई बार इसको मैं रफ टफ भी यूज़ करता हूं, जैसे कि तेज़ चलाना, तो उसके हिसाब से मुझे ठीक लगता है, एवरेज में कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है इस बाइक के साथ। बाइक में भाई कोई भी कमी नहीं है, बाइक सारी अच्छी होती हैं, बस पसंद होती है अपनी अपनी, किसी को कोई बाइक पसंद है, किसी को कोई बाइक पसंद है। बट जो 2-3 मैंने जो कंप्लेंट है वो भाई जेन्युइन है, अगर आपके पास भी 220 होगी ना तो पक्का भाई इस चीज़ से आप एग्री ज़रूर करोगे। एक तो जो इसका वाइब्रेशन है वो होता है, और इसके जो मिरर है बैक वाले वो किसी काम के नहीं है ज़्यादा, या तो आप इसको आफ्टर मार्केट इसको करवा सकते हो, बड़े लगवा सकते हो, या कोई सेटिंग बिठा के कोई अच्छे से जो मिरर है वो लगवा सकते हो जिससे पीछे का जो व्यू है वो अच्छा लगे। तीसरा पॉइंट भाई मेरा ये था कि इसके अंदर 6वां जो गियर है वो भी होना चाहिए था, कंपनी को अपडेट करना चाहिए था। और बाइक मैंने लगभग 41,751 किलोमीटर चला दिया है इसको। और इसकी लाइट की बात करूं भाई, लाइट बहुत ज़्यादा मस्त है इसकी, मैं आपको जला के दिखाता हूँ। ये देखो ये साइड में जो ये लाइटें दिख रही है, ये चीज़ रात के टाइम इतनी अच्छी लगती है भाई, मतलब लुक वाइज तो बहुत अच्छी लगती है बाइक, लुक के मामले में इसको पूरे नंबर है बाइक को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और दोस्तों बात करें इसके ऊपर मैंने क्या क्या खर्चा किया है तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी ज़्यादा मैंने मॉडिफिकेशन इसके अंदर की नहीं है, पहले सी जो बाइक है बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, और इसमें कुछ कराने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बस जो मैंने इसके अंदर किया है वो टायर चेंज करवाए थे, टायर तो यार जब घिसेंगे तो चेंज तो करवाने ही पड़ेंगे, वो तो नीड है भाई। और उसके अलावा कुछ भी नहीं ऐसा करवाया जो भाई इसमें ज़रूरत हो, सारा कुछ इसके अंदर पहले से ही आता है, कुछ भी आपको कराने की कोई
ज़रूरत है नहीं अगर आप ले रहे हो इसको। और कुल मिला के बाइक अच्छी है, बस दो तीन जो इसके ड्रॉबैक पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप ले रहे हो तो कमेंट में पूछ लेना भाई आपको क्या कुछ पूछना है। मेरे को काफ़ी टाइम हो गया इस बाइक को, तो मैं कोशिश करूँगा आपको बता दूँ सारी चीज़ जो भी मेरे समझ में आती है इस बाइक को लेके, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो भाई बाइक कुल मिला के अब चॉइस रह जाती है कि किसको क्या चाहिए, उस हिसाब से ले सकता है। कईयों को क्रूजिंग बाइक पसंद है, जैसे मेरा जो शुरू से रहा है पसंद वो है एक क्रूजिंग बाइक, जैसे कि क्लासिक 350 होगी और होंडा हाइनेस जो हाल ही में नई आई है, थोड़ा ही टाइम हुआ उसे, ज़्यादा नहीं हुआ, तो वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। उसका जो सीटिंग पोस्चर है वो मुझे अच्छा लगता है, और इसका जो उसका जो साउंड है ना दोनों बाइक का वो भी काफ़ी अच्छा है, और इसके साउंड में एक अलग फील है, उसके साउंड में एक अलग फील है। तो साउंड के मामले में तो खैर दोनों तीनों बाइकें ही अच्छी हैं, पर ज़्यादा मुझे होगा ना यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं भाई किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।